तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो हम आ चुके हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पबजी मोबाइल में करेक्टर वाउचर कैसे खरीद सकते हैं या फिर कार्लो करेक्टर कैसे फ्री में खरीद सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, लाइक करो वीडियो को। तो करते हैं यार वीडियो को फटाफट स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि आपके रॉयल पास के नीचे एक गिफ्ट आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ कोई इवेंट चल रहा है जिसमें आपको गाड़ी कलेक्ट करनी है, उससे आपको 5 गाड़ी कलेक्ट करो और आपको 30-30 वाउचर मिल जाएंगे। तो गाइस आप ऐसे करके कम से कम 90 वाउचर्स तो कर ही सकते हैं भाई। जितने वाउचर आप कलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा, तो जितने वाउचर कलेक्ट करो भाई कर दबा कर करो। और फिर उसके बाद थीम यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड, रिकमेंडेड के आने के बाद भाई नीचे लिखा हुआ है वीकली रिपोर्ट। और ये वीकली रिपोर्ट का वीकली का मतलब हर वीक आएगी ये, और हर वीक आने का मतलब जैसे थर्सडे सैटरडे के, मतलब हर वीक एक वीक में एक बार वीकली रिपोर्ट खोल कर देख लो यार आप। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर डायमंड 2 टायर में हूँ, और क्या कहते हैं डायमंड वाले में जो भी बंदा होता है उसको मिलता है एक करेक्टर, मतलब करेक्टर कह रहा हूँ कूपन मिलता है, और जो बोन इंडियन मोस्ट चैनल का कूपन मिलता है, और जो क्राउन में होता है उसको 2, एस वाले को 3 और कॉन्करर वाले को 4। 4 का मतलब भाई बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और आपका सारा जो अभी आपने कलेक्ट करा वो आपको मिल जाएगा मेल बॉक्स में। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं इन्वेंट्री में खोल के दिखा देता हूँ आप, यहाँ आप देख सकते हो कि मैं आपको इन्वेंट्री खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे 5 इंडियन बोनस चैलेंज के वाउचर हो रखे हैं। तो आप इंडियन ऐसी वीकली रिपोर्ट खोल खोल के आप वाउचर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट आइकन के बगल में एक चेयर पार्क है, चेयर पार्क के बगल में एक ट्रॉफी सी बनी है, उस ट्रॉफी को खोलोगे तो बीच में बोनस चैलेंज लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दो। तो अब यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यू हैव 15, मतलब ये होते हैं कॉइन्स, यू हैव 15 कॉइन्स एंड रिडीम रिवॉर्ड। तो यहाँ मेरे पे सिर्फ 15 कॉइन्स हैं और लेकिन मेरे पे 5 कूपन्स यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर तीन चीज, यहाँ पर मैं सोलो दिखा रहा हूँ, अभी सोलो मैच में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर है एक्सपर्ट, एडेप्ट और नोविस। इसमें आपके हाईएस्ट रिवॉर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपको कौन से मैच में कितनी कितनी हाईएस्ट रिवॉर्ड मिल सकती हैं। तो जितने हाईएस्ट रिवॉर्ड की कौन से मैच में आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड मिल सकती हैं, और अभी ये इस टाइम चल भी रहा है इंडियन बोनस चैलेंज, तो यहाँ पर आप रजिस्टर करके मैच मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें हाँ आप TDM भी खेल सकते हैं, TDM सोलो डुओ स्क्वाड कुछ भी खेल सकते हो भाई इसमें आप, लेकिन याद रखना कि आप नोविस में खेलो क्योंकि एक्सपर्ट और अडेप्ट में लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, जितने भी हैकर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा आते हैं या फिर नेक्स्ट लेवल प्रो वाले प्लेयर्स ज़्यादा आते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने TDM मैच स्टार्ट कराया, तो देखो अब यहाँ मैं अपने टीममेट को बुला सकता हूँ और यहाँ मेरा मैच मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो एक मेरा 5 थे कूपन जिसमें से एक मेरा खर्च हो गया, तो और मेरे पे 15 पॉइंट्स है। अब TDM मैच स्टार्ट हो गया तो दिखाता हूँ मैं इसके चीज़ों को स्किप करके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मैच वापस खेल कर TDM का। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू हैव 144 कॉइन्स, तो यहाँ पर मेरे पे 144 कॉइन्स हो चुके हैं और आप 100 कॉइन्स पे एक वाउचर ले सकते हैं। तो आप ऐसे कर करके वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं, सोलो खेल सकते हैं, डुओ खेल सकते हैं या फिर स्क्वाड में भी खेल सकते हैं अपनी स्क्वाड्स के साथ, और TDM भी खेल सकते हैं मेरे ख्याल से एरेंगल मैप के अलावा, और आपको कोई मैप नहीं मिलेगा। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कि आपको हर उसमें हाईएस्ट रिवॉर्ड कितनी मिलेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप नोविस खेलो, अडेप्ट और एक्सपर्ट में ना जाओ क्योंकि वहाँ जाते हैं हैकर्स और भी नेक्स्ट लेवल प्रो प्लेयर जैसे कि चाइनीज़ प्लेयर हो गए, और भाई आप लोगों को पता ही है कि चाइनीज़ प्लेयर क्या ही खेलते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोविस में जाओ, नोविस में मोस्टली आपको इंडियन सर्वर मिलेगा और बंदे ज़्यादा मतलब नॉर्मल मिलेंगे, आपके लेवल से नीचे भी मिल सकते हैं, आपसे लेवल से थोड़ा ऊँचे भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपको मतलब नेक्स्ट लेवल कैंपर्स मिलेंगे आपको, जो मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे शेल्टर्स में भी कैंप करके बैठे होंगे, गाड़ी लगा कर कैंप करके बैठे होंगे भाई। और अगर आपको इसका सोलो का गेम प्ले देखना है तो आपका मैं बता दो भाई, हम अगली वीडियो मतलब गेम प्ले भी दिखा देंगे आपको कि लोग कैसे खेलते हैं इंडियन बोलर्स चैलेंज को, मतलब कितना नेक्स्ट लेवल कैंपिंग करके खेलते हैं लोग, तो भाई हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, तो आप एक बार कमेंट में बता देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब है भाई कि अगर आप पे 1000 पॉइंट्स हो गए तो आपको 1000 पॉइंट्स पे 100 यूसी मिलेगी, 3000 पॉइंट हो गए तो 300 यूसी, 5000 पॉइंट हो गए तो 500 यूसी। तो सिंपल फंडा ये है भाई कि देखो अब आपने वीकली रिपोर्ट में आप हो एस लीग में, वीकली रिपोर्ट में आपने हर हफ्ते 3-3 कूपन कलेक्ट करते गए, ठीक है 3 कूपन कलेक्ट करे इस वीक में, 3 कूपन कलेक्ट करे अगले वीक में, कितने हो गए 6 कूपन्स हो गए, ठीक है। अब आपको भाई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, पबजी खेलना है सिर्फ,
और लोग क्या बताते हैं कि भाई ऐप डाउनलोड करो, ये करो वगैरह वगैरह, हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले। तो सिंपल फंडा है कि आप ये तीन चीज़, छः कूपन हो गए आप पे, छः कूपन होने के बाद आपने छः मैच खेले, जिसमें आपको सपोज कर लो, मैं ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम मान रहा हूँ कि भाई आपको 200 पॉइंट मिल गए, हर मैच में आपको 200-200 पॉइंट मिल गए, तो आपके कितने मैच में हो गए, पाँच पाँच कूपन खर्च करे तो आपने, तो पाँच कूपन में ही आपको 1000 पॉइंट्स हो गए, और 1000 पॉइंट्स का मतलब कि आपकी 100 UC तैयार। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको करेक्ट 200 ही पॉइंट्स मिलेंगे, 200 थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 200 थोड़ा कम भी मिल सकते हैं, जो तो मतलब कुल मिला के आपके पाँच उसमें हो जाने चाहिए, आप इतना वो लगाओ। और किसी किसी में आपने चिकन डिनर करा तो भाई सीधा 300 पॉइंट्स, या आपके किल ज़्यादा हैं तो 300 भी मिल सकते हैं, तो मतलब काफ़ी फ़ायदा है यार आपके साथ ऐसा कर करके। और अब अगर आप पे मतलब कूपन कम बचे हैं तो वीकली रिपोर्ट से कूपन कलेक्ट कर लो, या फिर मतलब और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें से आप कूपन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपके 100 पॉइंट्स हो गए तो आप कूपन कलेक्ट कर लो। अभी यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये कूपन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने कुछ कुछ ऐसी रिवॉर्ड्स होंगी कि आपके इतनी रैंक पे इतनी ये आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 UC, 300 UC, 500 UC सब है, जो कि 3000 पॉइंट पे 100 UC, 3000 पॉइंट पे 300 UC, 5000 पॉइंट पे 500 UC। और ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बैटल कॉइन सिर्फ 144 है, तो यहाँ मैं 1000 पॉइंट्स करूँगा और 100 UC कलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसे ही करके आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी UCs, या फिर आप उन UCs से आप कुछ भी कर सकते हैं, कार्लो करेक्टर खरीद सकते हैं, या फिर एंडी करेक्टर के वाउचर्स वगैरह, जो भी मतलब जो भी करेक्टर जो भी आपको करना है भाई आप UC से कर सकते हो, चाहो तो रॉयल पास भी खरीद सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक करो वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।